हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। करवाएंगे आपको हॉर्नबिल बुक का जो क्लास 11th का चैप्टर का नाम है, ठीक है। हॉर्नबुक क्या नाम है? देखिए, लैंडस्केप ऑफ द सोल, चैप्टर नंबर देखिए आपका 4 में है, ठीक है। ऑल वर्ड मीनिंग, सभी का आपको वर्ड मीनिंग करवाएंगे इसका, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी आपको किसका, द लैंडस्केप सोल जो आपका एक स्टोरी है, ठीक है, आपको बताया जाएगा। अब देखिए बात क्या जाए, लैंडस्केप सोल का जो है ऑथर कौन, देखिएगा, नेथेली ट्रोब्यूरोय। नेथेली ट्रोब्यूरोय जो है इसके ऑथर एंड राइटर का नाम है। लाइक शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जाइएगा इंग्लिश के हम चैनल का प्लेलिस्ट में, इंग्लिश क्लास 11th, वहाँ पे और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं इसका वर्ड मीनिंग पे। अब देखिए स्टार्ट देखिए कहानी कहाँ से होगा। देखिए पेंटर है आपका है ऊ दाऊजी, ध्यान दीजिएगा, एक पेंटर है ऊ दाऊजी जो 18 सेंचुरी का, आपका 18 सेंचुरी में वो रहता था। अब उनके बारे में बात किया जाए, एक वंडरफुल एक पुरानी क्या है, एक स्टोरी कही गई, जिनका अंतिम चित्र जो था फ्रेंड्स वो प्राकृतिक भूदृश्य के बारे में बताता है। जो था आपका एक सम्राट था जुआंग जोंग, ने महल की एक दीवार सजाने के लिए बनाने को कहा गया था। अब देखिए वो जो पेंटर था ना, अपनी कृति पर्दी के पीछे छुपा रखी थी, ठीक है, ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सके। बहुत समय तक सम्राट इसके वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में तैरते बादल, पहाड़ी पंखड़ियों पर चलने लगे थे, ठीक है, और लोग यहाँ पे देखते थे, पक्षी देखकर अद्भुत चित्र की प्रशंसा भी करता रहता था, ठीक है। तो देखिए महाराज, यहाँ चित्रकार ने बोला, पहाड़ तलहटी की इस गुफा में एक आत्मा रहती है, क्या है, एक सोल रहती है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पेंटर फ्रेंड्स वो है वो आपका ऊ दाऊजी, जो आपका एक पेंटर है, ठीक है। अगर देखा जाए इस कहानी में, देखा जाए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है चाइना क्लासिकल एजुकेशन की बात किया गया, महत्वपूर्ण चीन शिक्षा के बात किया गया है, जिसमें कन्फ्यूशियस व जुआंगी पुस्तक की इस प्रकार की कहानियां भरी पड़ी है, और वे गुरु को शिष्य का सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं। कहानी से हटकर ये कला की भावना गहराई से बताती है। इस कहानी में तुलना करें तो एक अन्य फेमस इसी जो एक पेंटर है के बारे में है, जिसमें हमारे द्वारा चित्रित बनाने से इनकार कर, ड्रैगन जो आर्ट था ना बनाने का, क्या किया, क्योंकि उसे डर था कि उस चित्र से निकल कर उड़ कहीं नहीं जाएगा, इसलिए वो मना कर देता है। इस कहानी में देखिए नाम ही आपका है लैंडस्केप ऑफ द सोल, देखिए सोल का मतलब होता है आत्मा। अब देखिए फ्रेंड्स बात किया जाए लैंडस्केप, देखिए जो वर्ड दिखाई पड़ रहा है, ए पीस ऑफ इंग्लैंड सीनियरी, कहने का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि चित्र भूदृश्य जिसमें बनाया गया एक आत्मा के अंदर, इसी का नाम रखा गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल, मतलब होता है ए पीस ऑफ इंग्लैंड सीनरी, प्राकृतिक चित्र भूदृश्य को कहा जाता है लैंडस्केप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपका वर्ड को, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है कमीशन, ठीक। कमीशन का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज्ड यानी इनऑगरेटेड का मतलब होता है अधिकृत किया, यानी शुभारंभ, किसी चीज का शुरुआत करना, उसे कमीशन यानी कि अधिकृत करना, यानी क्या बोलते हैं इनऑगरेट का मतलब होता है किसी का शुभारंभ करना, यानी किसी चीज का उद्घाटन करना कहा जाता है। अब देखिए कहानी में आगे बढ़ता है, 15 सेंचुरी की बात आ रही है, 15 सेंचुरी में एक बात है एंटवर्प, जो एक मास्टर ब्लैक स्मिथ एक लोहार था, कॉल्ड उसे कहा गया है क्विंटन मिड से फेल इन लव, प्यार हो जाता है विथ पेंटर डॉटर, पेंटर की बेटी से। द फादर जो है वुड नॉट, फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं सन इन लॉ से, उनके जो पैसा था उनसे। अब जो क्विंटन जो है उनके पेंटर जो स्टूडियो में आता है तो देखता है लेटेस्ट एक चित्रकार का दिखाई पड़ता है चित्र को, और अर्थात वो जो है वो विश्वास नहीं करता है कि उससे शादी करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात कहानी में आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और वर्ड के, देखिए इमेंस, देखिए इमेंस का मतलब होता है वेरी मच, यानी कि होता है अत्यंत, कह सकते हैं बहुत अधिक से कहा जाता है, इमेंस वर्ड का मतलब होता है वेरी मच यानी कि बहुत अधिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए है एनिक्डोट, एनिक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि छोटी कहानियों, क्या कहते हैं एनिक्डोट का मतलब होता है स्मॉल स्टोरी, यानी कि छोटी कहानियों कहा जाता है एनिक्डोट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका है वर्ड मीनिंग एस्टोनाइज, ठीक है, एस्टोनाइज का मतलब होता है अमेज्ड, यानी कि अचंभित होना, हैरान हो जाना, उसे एस्टोनाइज्ड कहते हैं, यानी कि होगा मेन वर्ड अमेज्ड यानी कि हैरान। नेक्स्ट देखिए वर्ड आपका है वेनिश, देखिए वेनिश का मतलब होता है डिसअपीयर्ड,
आने की गायब हो जाना, कहीं लुप्त हो जाना, उसे वेनिस्ट कहते हैं। सेम मीनिंग का क्या हो जाएगा, डिसअपीयर आने गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्निग्ड। स्निग्ड का मतलब होता है इंटर्ड सेक्रेटली, आने की चोरी से प्रवेश किया, उसे क्या कहते हैं, स्निग्ड कहते हैं। मैं चोरी से कहीं में तो घुस जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे आप स्निग्ड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका वर्ड मीनिंग है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है स्लेंडर, आने की कोमल नाज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेलिकेट कहते हैं। स्लेंडर हो गया मेन, हिंदी हो जाए कोमल, आने की नाजुक। नेक्स्ट देखिए वर्ड आपका है रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है एक्चुअली, इन रियलिटी, आने की यथार्थवाद, मतलब सचमुच में क्या हो, सचमुच में वो सच्चाई हो, उसे रियलिज्म कहता है। यानी कि रियल से बना है रियलिज्म, यानी कि एक्चुअली वो रियलिटी सच्चाई में सही, उसे रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड है स्वाट। देखिए स्वाट का मतलब होता है एन इलास्टिक बैट फॉर किलिंग फ्लाइज, मतलब मक्खी मारने की लचीली पटरी। क्या होता है, मक्खी मारने की लचीली पटरी को क्या कहते हैं, स्वाट कहते हैं, इलास्टिक बैट फॉर किलिंग फ्लाइज कहते हैं, ठीक है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए बात करें कुछ आगे आपका, हम बात करते हैं स्टोरी पे, ठीक है। देखिए क्या बात करेंगे, देखिए स्टोरी पे वो भी आपको समझना है। अब शताब्दी में क्या होता है, आगे देखेंगे। एक चीनी कहानी में सम्राट चित्र बनाने का आदेश देता है, ठीक है, या आदेश देता है बनाने का। उसमें कलाकार उसके सामने अपनी कृति का सही अर्थ को क्या करता है, प्रकट करता है। सम्राट उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता है जिस पर उनके विजय यानी जीत प्राप्त करती है, ठीक है। चलिए वर्ड देखते हैं आगे, कि वर्ड है अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस का मतलब होता है न्यू कमर, यानी कि नौसिखिया, मतलब होता है बिगनर, मतलब जो भी काम को स्टार्ट कर सीखने के लिए उसे अप्रेंटिस कहते हैं। न्यू कमर आने की उसे नौसिखिया वर्ड आपका कहेंगे। नेक्स्ट देखिए वर्ड है इल्यूसिनिस्टिक। इल्यूसिनिस्टिक का मतलब होता है नॉट रियल, मतलब होता है भ्रमिक, मतलब जो सही नहीं हो, मतलब जो फॉल्स हो, उससे इल्यूसिनिस्टिक कहा जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए कमीशन। इसका मतलब होता है किसी को चुनना, नियुक्त करना, उसे क्या कहते हैं, कमीशन करना, मतलब उसे नियुक्ति करना है, उसे चुनना है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे आगे पे, तो एक देखिए आपका यहाँ बात करता है लेट मी शो द वे, रास्ता ढंग हो या ब्राह्मण के रहस्य भी थे, ठीक है। और परंतु चित्रकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर ले जो हसक्ति से भरे था। अब देखिए बात करेंगे पश्चिम पटाखों, इसका चाइना का बनाया, चीजों को बनाया गया था, यूरोपीय चित्रकार था वहां पे, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्चुअल स्पेस आने की आध्यात्मिक और एक वैचारिक क्षेत्र के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए वर्ड आएंगे टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, आने की भूभाग, उसे क्या कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं। जो बहुत ही बड़ा भूभाग उसे टेरिटरी कहा जाता है। लेकिन नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है कंकर्ड। कंकर्ड का मतलब होता है ओवरकम, यानी कि ऑन, विजित किया, यानी किसी पे जीत प्राप्त करना, किसी को काबू करना, उसे कंकर्ड कहते हैं। उसी कारण ओवरकम यानी कि ऑन दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे वर्ड है मिस्टीरियस। देखिए मिस्टीरियस का मतलब होता है फूल ऑफ क्या होगा, सीक्रेट्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, फुल ऑफ सीक्रेट्स होगा, यानी कि रहस्यमय, क्या हो जाएगा, रहस्यमय हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग नेक्स्ट वर्ड है प्यूरिटी। प्यूरिटी का मतलब होता है पिक्टोरियल, यानी कि विशिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ड मीनिंग आपका है, प्यूरिटी का मतलब पिक्टोरियल यानी हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड पे वर्ड मीनिंग का डिस्कस कर रहे हैं आपका, इसका लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है, सभी वर्ड मीनिंग, और साथ ही साथ जो है इसका आने का काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर, आने की विशेष, विशेष को उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक आने की हो गया पार्टिकुलर, विशेष। नेक्स्ट है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है, अप्रोच, यानी कि दृष्टिकोण को दिखाता है, उसे क्या कहेंगे, व्यू पॉइंट यानी कि अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए वर्ड है लेजर। देखिए लीजर से बना है लीजरली, इसका मतलब होता है फ्रीली, यानी कि फुर्सत से, अगर कोई खाली में बैठते हैं, आराम करते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे लीजर कहते हैं, लीजर से बनता लीजरली होता है, यानी कि फ्रीली हो गया, यानी कहेंगे इसको फुर्सत से हो जाएगा, मीन आपका हिंदी।
नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड है आपका हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ऑफ द हॉरिजन, हिंदी में कहेंगे क्षितिज के समानांतर। अब देखिए बात किया है कि हॉरिजेंटल लिख दो तरह, देखिए इस प्रकार को कहते हैं हॉरिजेंटल और का देखिएगा वर्टिकल। देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपका है ना वर्टिकल कहते हैं, और इस टाइप का जो लाइन है ना उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल आ जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड आएंगे स्क्रॉल। देखिए स्क्रॉल का मतलब होता है ए रोल ऑफ पार्चमेंट और पेपर, यानी कि लिपटी हुई कागज का मुट्ठा को क्या कहते हैं, स्क्रॉल कहते हैं, यानी कि घुमा हुआ होता है। तो यहाँ पे एक चाइनीज के बारे में जो बात किया गया है, चाइनीज लैंडस्केप के बारे में बताया गया है, माउंटेन वाटर के बारे में बताया गया है लैंडस्केप सॉल में। इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है सेंसुई लिटरली, जो माउंटेन वाटर है इसके में यूज किया गया है लैंडस्केप का। इसमें मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दो से अधिक इमेज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स के बारे में बताता है ना। अब देखिए बात करता है कम्प्लीमेंट्री आने के होता है 90 डिग्री, उसे कहा जाता है टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। इसमें एक डाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात किया गया, जो टुवर्ड्स हेवन आने की स्वर्ग तरफ जाता है, स्टेबल है, वार्म है, ड्राइंग सन में होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल ऑन रेस्टिंग ऑन द अर्थ की बात किया गया, ठीक है, जो लंबवत होती है, यांग के बारे में बात किया गया। अगर देखा जाए फ्रेंड्स यही भी बात किया जाए क्रियाशील पुरुष जातीय के बारे में बात किया गया है, यही वह स्थान है जहाँ मनुष्य की मूल भूमिका मिलती है, ठीक है, यही मेन जो है फंडामेंटल रोल लोग अदा करते हैं। आकाश व धरती के बीच उस स्थान में है, यह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का माध्यम बन जाता है, ठीक है। और मेन याद रखिएगा वो पेंटर का नाम याद रखिएगा, ऊ द्वाजी जो है मेन पेंटर का यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे डायमेंशन का, देखिए मतलब होता है एस्पेक्ट, यानी हिंदी में कहा जाए तो। नेक्स्ट वर्ड देखिए अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल का, मतलब होता है ऑफ मेंटल कॉन्सेप्शंस, यानी कि मन की भावना संबंधी क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल कहते हैं, मतलब कोई अच्छा पसंद अवधारणा को बताना उसे कहा जाता है आपका कॉन्सेप्चुअल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं देखिए इंट्रैक्शन। देखिए तो इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, ब्रिटिश में हो गया, इंटर का मतलब स्टाइल हो गया, सब का मतलब आपका इनर साइड, वर्ल्ड का मतलब अनफील, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी हम कर दिए।